नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बीती रात से हुई तेज बारिश के चलते आज बसई का हाल बेहाल हो गया। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये सड़क है या समंदर है। हम आपको बता दें कि ये समंदर नहीं है, सड़क ही है। लेकिन सड़कों का हाल समंदर जैसा हो गया था। आज दोपहर में, आज सुबह से जो बारिश का दौर शुरू था, उसके बाद दोपहर के 2:30 बजे की ये हालत है जो आप तस्वीरों में, वीडियो में देख रहे हैं। और ये क्षेत्र है वसई का सागर शेट पेट्रोल पंप का क्षेत्र। वसई पार नाका से लेकर ताम तलाव तक के क्षेत्र में पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। यही हाल वसई के देव तलाव और दूसरे क्षेत्र में भी था। इतना ही नहीं, हाईवे पर भी, हाईवे की तरफ भी इसी तरह से जलमग्न, जल जमाव की स्थिति थी। हालांकि आज सुबह से बारिश काफी ज्यादा हुई है, एक साथ लगातार बारिश हुई है, फिर भी जल भराव के लिए क्या सिर्फ बारिश को ही, क्या अधिक बारिश को ही जिम्मेदार ठहराना सही है? इसके लिए हमारा सिस्टम भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम दावे बहुत करते कि जल जमाव नहीं होगा, लेकिन दावों की पोल खुलती रहती है। ये जो सागर शेट पेट्रोल पंप का मैंने अभी आपको बताया, वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर पिछले साल ही वसई विरार महानगर पालिका ने एक कलवर्ट का निर्माण करवाया था। उस कलवर्ट के निर्माण के पीछे मकसद यही था कि बारिश का पानी निकल जाए। अगर कलवर्ट बनाया था उसके बाद में इस तरह से पानी जमा होता है तो उस कलवर्ट का मतलब क्या? अब इसमें कई तकनीकी चीजें, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, सवाल उठाना मेरा काम है, लेकिन कई तकनीकी चीजें हैं जो एक इंजीनियर ही जानता है। लेकिन सीधी सी बात है, ये सागर शेट पेट्रोल पंप की आज की नहीं, हमेशा की यही परिस्थिति रहती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ जगह तो हालात ऐसे कि मेन होल को सभी को खोल दिया गया और वहां कुछ लोग खड़े हैं, महिलाएं भी खड़ी है और पुरुष भी खड़े, जो लोगों को ये इंडिकेट कर रहे कि इस तरफ ना आए, और उस वजह से ट्रैफिक भी काफी ज्यादा हो गया। स्कूल से छुट्टी बसें, और आप स्क्रीन पर चल रहे आप देख सकते हैं क्या हाल था है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो दावे करता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन उन दावों की पोल, फिर से कहूंगा, लेकिन उन दावों की पोल खुद अपने आप खुलती रहती है। आज दिन भर में बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, मैंने पहले भी कहा, लेकिन इतनी भी ज्यादा बारिश नहीं थी कि ऐसे हालात हो जाए। यह तो शुक्र है, शुक्र माना जाए कि दोपहर के बाद 3-4 बजे से बारिश का दौर थम चुका है और कई जगहों से थोड़ा पानी उतर भी चुका है। लेकिन अगर यही बारिश 1-2 घंटा और भी अगर होती तो क्या हाल हो सकते थे, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। 2018-19 में वसई किस कदर डूबा था वो सभी को याद है। उसके बावजूद हमारी तैयारियां जो है वो अभी भी आधी अधूरी है। अभी ये सितंबर का महीना है, नालों सफाई की बात की जाती है, नाले सफाई हुए, क्या हुआ उनका? सितंबर में इस तरह से पानी भर रहा है तो वसई विरार महानगर पालिका और पूरे प्रशासन को, जिला डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरा इस ओर ध्यान देना चाहिए और सबक लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।